एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में ईरान ने अमेरिका की नाक में दम किया हुआ है, वहीं अब उत्तर कोरिया भी अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगातार मिसाइलें दागकर अमेरिका को धमका रहा है और इसी कड़ी में उत्तर कोरिया ने अमेरिका को परमाणु हमले की चेतावनी दे डाली है और इसके पीछे दक्षिण कोरिया के तट पर पहुंची अमेरिका की वो पनडुब्बी है जो परमाणु हमले करने में सक्षम है। उत्तर कोरिया लगातार कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी के आने का विरोध कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में अपनी परमाणु पनडुब्बी भेज दी है और इसके तुरंत बाद उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री कांग सुन नम ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि रणनीतिक परमाणु पनडुब्बी और अन्य रणनीतिक हथियारों की बढ़ती तैनाती उत्तर कोरिया के कानून में निर्दिष्ट परमाणु हथियारों के उपयोग की शर्तों के तहत आ सकती है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जिसके जवाब में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया था। अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया की किसी भी खतरे से रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई थी। अमेरिका ने ये तक कह दिया था कि वो दोनों देशों की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों तक का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने इस हफ्ते एक परमाणु कंसल्टिव ग्रुप की बैठक भी की थी और इस बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने एक बयान भी जारी किया था, जिसमें व्हाइट हाउस ने कहा था कि उत्तर कोरिया द्वारा अमेरिका या उसके सहयोगियों के खिलाफ कोई भी परमाणु हमला स्वीकार नहीं होगा और इसका परिणाम उस शासन का अंत होगा। उत्तर कोरिया के किसी भी परमाणु हमले का त्वरित, जबरदस्त और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। लेकिन उत्तर कोरिया ने इस परमाणु मीटिंग की कड़े शब्दों में निंदा की है। उत्तर कोरिया का कहना है कि कोरियाई प्रायद्वीप पर सैन्य संघर्ष का दौर एक खतरनाक वास्तविकता के रूप में सामने आया है। आपको बता दें कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ रहे तनाव की एक दूसरी वजह भी है, वो ये है कि अमेरिका का एक 23 साल का सैनिक जानबूझकर पिछले हफ्ते उत्तर कोरिया में घुस गया था और उसे उत्तर कोरिया ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इस बाबत उत्तर कोरिया से जानकारी मांगी है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है।